अच्छा भाई, मैं चिकन अचारी किस तरह बनाती हूँ। अचार गोश्त ही होता है एक तरह का, लेकिन इसको हमने चिकन अचारी का नाम दे रही हूँ मैं। तो मैं किस तरह बनाती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये गोश्त और ये सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। यहाँ मैंने तेल को गर्म कर लिया है पहले ही। ऐसे फ्राई करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त डालना है और ये मैंने तेज़ पत्ते लिए हुए, इसको मैं इस तरह तोड़ के ये डाल दूँगी। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अब गर्म हो रही है कढ़ाई, क्योंकि अब मौसम हो गया है चेंज। सर्दियों में जो है वो गर्म नहीं होती थी। आराम से पकड़ लो उसको। जैसे ही ये, अब इसमें इसी के साथ ना मैंने डाल देना है अदरक लहसुन, यानी अदरक लहसुन और तेज़ पत्ते के साथ जो है चिकन को मैं भूनूंगी। अदरक लहसुन भी डाल दिया मैंने साथ ही साथ। अब इसकी हम करेंगे भुनाई। ये इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के साथ और ये तेज़ पत्ते के साथ भून के ना, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, रुक जाए ज़रा। अच्छा, वहाँ जो है मेरा चिकन जो है वो भून रही है कि गोश्त में मैंने डाल दिया। यहाँ मैंने टमाटर लिए चार से पाँच अदद, और मैंने इस तरह काट लिया। अब मैं इन टमाटरों को भी ना इसमें ही शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने टमाटर भी इसमें शामिल कर दिए। अब बिल्कुल मैं थोड़ा सा अभी रुक जाऊँगा। अब इसमें जाएगा ज़रा सा बिल्कुल पानी, बिल्कुल ज़रा सा पानी, 100 ml के करीब पानी डाल के ना, अब मैं इसकी आँच हल्की करके इसको ढक देंगे। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। टमाटरों की स्किन को ना सारी चिमटे की मदद से ना रिमूव कर दिया, ये देखें सारी, क्योंकि टमाटर अच्छे तरीके से गल गए और इनके छिलकों को अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया। अब हम इसमें मसाला डालेंगे और बस अब इसकी होगी भुनाई, क्योंकि ये चिकन है और चिकन जो है ये देख रहे हैं सारे मैंने छिलके जो हैं सारे मैंने छिलके इस तरह ना निकाल के ना रिमूव कर दिए। तो अब जो है ना, अब हम इसका मसाला भी डालते रहेंगे और इसकी भुनाई भी साथ साथ होती रहेगी। चलो, इसमें क्या क्या मसाला डालना है मुझे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इसमें सौंफ ली है, कलौंजी और सौंफ है, मेथी दाना, थोड़ा सा राई है, कुटी मिर्च है और नमक है। ये मसाला गौर से देख लें, ये सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। और आधा पैकेट ना मैं इसका शान कढ़ाई अचार गोश मसाले का, एक पैकेट सॉरी साशे डाल दूँगी मैं, आधा बोल रही हूँ मैं, पूरा एक मैंने ये डाल दिया। थोड़ा सा घर का मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे एक ही जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और अब हम इसकी अच्छी तरीके से खूब सारी करते रहेंगे भुनाई। टमाटर हमारे क्योंकि गल गए, हमें टेंशन है नहीं किसी भी चीज़ की कि टमाटर खड़े हुए हैं या क्या है। इसको आप अच्छे तरीके से चमचे की मदद से घोटेंगे ना तो ये आसानी घुट जाएंगे। और आगे इसमें क्या क्या जाएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ रेडी करके रखा हुआ है। इसमें जाएगी ब्राउन प्याज, ये मैंने रेडी करके रखी हुई है, 2 चम्मच ब्राउन प्याज है। नींबू और हरी मिर्ची, अगर आप चाहें जो मसाला मैंने निकाला था ना रायदाना और सौंफ रायदाने वगैरह का, वो इन मिर्चों को आप बीच से कट करके ना और बीज निकाल के इसमें डालना चाहें तो डालें, मैं नहीं डालती। मैं इसको साबुत ही रखती हूँ कि बच्चे नहीं खाते, फेंक देते और मुझे भी नुकसान पहुँचाती हूँ कि मेरे मैदे में मसला आएगा, तो इसलिए मैं नहीं डालती मिर्चें। मैं इसको साबुत ही डालूँगी, सिर्फ इसमें हल्का सा कट लगा दूँगी ताकि इनका जायका आ जाए। और ये प्याज जाएगी। अब ये देखें अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ये ज़रा भुन जाए, फिर ये जो बाकी का मसाला है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल टमाटर ख़त्म हो गए, बिल्कुल आप देखें अच्छे तरीके से टमाटर घुट मिल गए हैं, और बल्कि एक शोरबा सा कितना अच्छा ग्रेवी सी हमारी बन गई है। अभी ये भुना नहीं है, अभी ये भुनेगा, इसकी भुनाई अभी होगी। तो इसको मैं स्टैंड को रख देती हूँ अपने यहाँ और शुरू करती हूँ इसमें मज़ीद मसाले डालना। मसाले क्या, बस अब डन पे ही है। तो जो ये प्याज थी, ये 2 खाने के चम्मच प्याज इसमें चली जाएगी। और हरी मिर्चों को ना मैं या तो कट लगा दें या ज़रा सा मैं ऐसे ही करके तोड़ देती हूँ ताकि बस इसका इसकी खुशबू आ जाए। ये देखें, बस 3 से 4 हरी मिर्चें डालूँगी मैं, ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं डालूँगी। ये बस सही हरी मिर्चें डाल दी और इसमें मैंने प्याज डाल दिए। अब हम इसको मज़ीद बस सिर्फ इसको अब हम ढक के पकाएंगे क्योंकि ये डन की तरफ आ गया।
और अब आखिर में मैं इसमें लीमू निचोड़ दूँगी, तीन चार जितने मेरे दो लीमू मैंने लिए हैं, तो मैं ये पूरे ऐसे करके इसे अच्छे तरीके से निचोड़ दूँगी लीमुओं को। फिर मैं इसे ढक दूँगी पकाने के लिए, क्योंकि ये मेरा फिर डन हो गया। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी हो जाती है ये तैयार। ज़रूर टेस्ट करें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, और बहुत देखें कितनी झटपट और कितनी आसानी से तैयार हो गई, और ज़्यादा कोई इसमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डले। इस तरह करने से ना बीज निकल आते हैं। ये लीजिए, उप्स। तो ये ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है घर में, और कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। ये मुहावरे हैं, ये रिवायती जुमले हैं जो हम लोगों को बोलने हैं हर हाल में, और आप लोगों ने इसके ऊपर अमल भी करना है इंशाल्लाह। मैं करूँ अच्छा, ये देखें भाई, ये हमारी बड़े मज़ेदार से ना चिकन अचारी का सालन तैयार हो चुका है। तो ये मैं थोड़े से आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। उप्स, ये गिर भी गया, चले कोई बात नहीं, वो मैं अभी आपको साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए ज़रा सा गाढ़ा गाढ़ा भी होता है, क्योंकि इसमें सारे चिकन अचारी है ना, तो बड़ा टेस्टी बनता है ये। तो ये देखें,